हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। बज रहे हैं सुबह के 5 और आज मुझे निकलना है एक और ट्रिप की तरफ। यस, और ये रही मेरी दूसरी वॉल्वो MR बस सर्विसेज। इससे मैं जाऊंगी। अब आप देखो एक बस मुझे कहाँ ले जाएगी। अभी आप कमेंट करके बताओ कि मैं जा कर रही हूँ। यस गाइस, कल का जो मेरा ट्रिप था जयपुर का वो बहुत ही लंबा था, बट यस बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी बिकॉज बस बहुत लेट थी। और अब ऋषभ आया है मुझे ड्रॉप करने। ये इसकी बस नहीं है, पर ये अब क्या कर सकते हैं, लड़का ऐसा हो तो। बाकी अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिप के लिए। मेरी हालत भी ख़राब है और यस मेरे साथ तुषार भी चल रहा है, जा रहा है, दिख रहा है। और ये रही हमारी बस। अब हम वॉल्वो में बैठ चुके हैं और अब हम निकलने वाले हैं अपने नेक्स्ट सफर के लिए, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही मैं अपनी नींद पूरी कर रही हूँ, मतलब अपने जो नींद का कोटा है मैं पहले ही वॉल्वो में पूरा कर लेती हूँ कि वहाँ जाके आराम से मज़े कर सकूँ और खूब आराम से एंजॉय कर सकूँ। हे गाइस, मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं सो गई थी। अब थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और बस जब जोधपुर से निकल गई थी उसके बाद मैं सो गई थी एंड अब मैं उठी हूँ। रख सकते हो इस पे, ठीक है। ये बॉटल रखने का, वहाँ पे चार्जिंग के लिए है। सो गाइज, अब पहला स्टॉप आया है जहाँ पे ये रामदेव होटल पे थोड़ी देर के लिए बस रुकी है, उसके बाद हम जाएंगे वापस। और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन 4 घंटे और लगेंगे, मतलब आज मेरा फ्लाइट की जगह बस में जेट लैग हो जाएगा। आई होप सो। सो गाइज, ये है हमारी वॉल्वो और जैसे ही वॉल्वो का स्टॉप आया लोग तो ऐसे भागे, मतलब पूछो ही मत, एक बार में सबके सब निकल गए जैसे वॉल्वो रुकी। OMG। नाउ आर वॉल्वो रीच टू द फर्स्ट टोल नाका। नाइस ना, और सी कितनी सफाई है, एकदम राजस्थान इज टोटली साफ सुथरा एंड अमेजिंग सा। सो गाइज, अब आप लोगों के लिए एक हिंट है कि हम लोग आ चुके हैं नाथद्वारा। यस, जो ये वे है जो पूरा इतना ब्यूटीफुल सा रास्ता है, हरियाली है, अमेजिंग सा हाईवे है, ये है नाथद्वारा की एंट्रेंस। अब आप लोग गेस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई थिंक इतना बड़ा हिंट देने के बाद तो आपको लोगों को ध्यान ही होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं मुझे कि मैं कहाँ गई थी या कहाँ जा रही हूँ या कहाँ जाऊँगी। मुझे एटलीस्ट यहाँ से तो दिख जाएंगे, वापस आते वक्त देखते हैं दर्शन मिले या नहीं होंगे।
गाइस नाथद्वारा एंटर होने के बाद वो एक ही चीज़ है जिसके लिए सब लोग पागल हैं या मैं पागल हूँ, वो शिवजी की मूर्ति। यस गाइस, जैसे जैसे मेरी वॉल्वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो मूर्ति धीरे 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 और ब्यूटीफुल और बड़ी होती जा रही थी और मेरा एक्साइटमेंट डबल हो गया था। मतलब उस टाइम मन में ये था कि बस बस से उतरूं, भाग के जाऊं और इस मूर्ति के दर्शन करूं। बट जो मूर्ति दूर से इतनी ब्यूटीफुल और इतनी प्यारी और इतनी सुंदर लग रही है, जिसके दर्शन इतने अच्छे हो रहे हैं, पास जाने के बाद ऐसा लग रहा है साक्षात शिव जी के दर्शन हो जाएंगे। सो होपफुली ये दर्शन भी मुझे ज़रूर करने हैं। तो नाथ द्वारा या आई विल सून बी बैक टू डू दिस दर्शन। ओम नमः शिवाय, जस्ट दिस एंड ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमेजिंग वाइब ऑफ नाथद्वारा। सो नाउ बैक टू एंजॉय द नेचर एंड द व्यूज फ्रॉम माई वॉल्वो विंडो। कितना अच्छा हाईवे है और कितना सुंदर दृश्य है। सो ठंडी ठंडी हवा आ रही है एसी की और बाहर इतना क्यूट और अच्छा शांत और अमेजिंग सा मौसम हुआ है बारिश का, और मैं और मेरी गाड़ी चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ। सो एंजॉयिंग दिस वाइब, अमेजिंग। सो यस गाइज, अब कुछ देर में ही जहाँ हमें जाना है हम फाइनली वहाँ पहुँच जाएंगे। सो वेट करते हैं और अब देखते हैं कितनी देर और लगेगी। सो पहुँचने वाले हम। और ये फाइनली अब हमने दूसरा टोल क्रॉस किया है जहाँ हमें पहुँचना है। सो अब इंतज़ार नहीं होता कब जल्दी से वहाँ पहुँचेंगे। ये जल्दी से पहुँच जाए बस यही मेरी इच्छा है। सो दिस इज फाइनली वी एंटर टू उदयपुर, वाइब ऑफ उदयपुर। द सिटी ऑफ वाइट, यहाँ पे वाइट कलर काफ़ी चलता है उदयपुर के अंदर। Beautiful artwork. I like the architecture work of Udaipur very much. Hi guys, हम लोग उदयपुर पहुंच गए थे, फिर थोड़ा रश हो गया था, काफी ट्रैफिक था, उसके बाद फाइनली मैं अपने रूम में आ गई हूँ और ये है मेरी छोटी सी डोरमेट्री, देख सकते हैं आप। ये है मेरी डोरमेट्री और फटाफट रेडी होके हम बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। सो लेट्स सी उदयपुर में क्या है घूमने के लिए। गाइस, जिस होटल में हम रुके हैं, जिस हॉस्टल में हम रुके हैं, ये उसका रूफटॉप है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है प्रॉपर लेक व्यू है पीछे, मतलब अच्छा सा व्यू आ रहा है। और ये रहा तुषार जो मेरे साथ इस उदयपुर ट्रिप में साथ आया है। और ये है जगदीश मंदिर, उदयपुर का फेमस मंदिर तुषार के बैक साइड में। सो गाइज, अभी हम लोग सिटी के अंदर है, उदयपुर सिटी के अंदर, और ये है उदयपुर का मार्केट और ये रहा हमारा गाइड। हम घूम रहे हैं उदयपुर का मार्केट और ये रहा पीछे तुषार और उसके पीछे मेरा बेस्ट फ्रेंड अब्दुल और आगे हमारा गाइड चल रहा है। अब हम ले रहे हैं सगार के समोसे और पकोड़े इस आदमी के लिए, मैं भी खाऊंगी ना।
अमेजिंग। जिसको धन्य समझ रही नाला। सो एंजॉयिंग द लॉन्ग ड्राइव इन उदयपुर अमेजिंग विद माय फेवरेट ड्रिंक माउंटेन ड्यू इन उदयपुर माउंटेन्स। Great combination, amazing vibe and amazing mountains and amazing mausam.